वायरल हो रहा सर, आई फ्लू बोल के सर, उसके बारे में क्या है सर? ये आई फ्लू बोले एक वायरल इन्फेक्शन है, मतलब वायरस जो रहता है वो एक जन से दूसरे स्प्रेड हो जाता है। सर जनरली कोई काउंटर पर प्रिस्क्रिप्शन है सर आपका एडवाइस? काउंटर प्रिस्क्रिप्शन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार उसमें आंख लाल हो गया, सूज गया है, और एक आधा दिन में एक दिन में कम नहीं हुआ तो आपके नजदीक के आपके डॉक्टर के पास जाके दिखाना जरूरी। वायरल हो रहा सर आई फ्लू बोल के सर, उसके बारे में क्या है सर? ये आई फ्लू बोले एक वायरल इन्फेक्शन है, मतलब वायरस जो रहता है वो जब इफेक्ट होता है, जैसे लोगों को सर्दी जुकाम होता है वैसे ही आंखों को इफेक्ट हुआ तो पेशेंट को ये आई फ्लू होता है। तो उसका मतलब सिम्टम्स क्या रहते हैं बोले तो उसको आंख लाल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, उनको इचिंग रहता है, बहुत पानी आते रहता है। तो इसका मतलब इसका जो मेन हमको कंसर्न या घबराने की बात क्या है, ये बहुत आसानी से फैलता है, एक आदमी से दूसरे आदमी को बहुत आसानी से फैलता है। तो फैलने का वजह क्या रहता है बोलते मतलब कोई भी चीज़ आप छीके रखे जिसको है, उन्होंने आंख को टच करके उन्होंने कोई दूसरी चीज़ को छीके रख दिया, कोई दूसरा आदमी आके उसको छिया फिर उसमें आंख को लग गया तो स्प्रेड हो जाता है। तो बहुत आसानी से स्प्रेड होता है, मतलब वो उसको घबराने की बात है। लेकिन अच्छी खबर क्या है बोलते, अच्छी बात इसमें क्या है, डेंजर नहीं है कुछ, एक चार पाँच दिन आप दवाई डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। सो 90% लोगों में उसमें कोई परमानेंट कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, आराम से ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन परेशानी की बात है बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। सो जिनको आ गया है वो सेफ्टी के लिए अपने घर वालों को, या जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हो वो स्कूल नहीं जाना है, हॉस्टल से बाहर घर को आके रहना है, मतलब आइसोलेशन में रहना है एक तीन चार दिन तक। और जो जिनको नहीं हुआ है, जिनके घर में फैमिली मेम्बर्स है, वो हाथ ज़्यादा धोते रहना है, सैनिटरी यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर और चश्मा लगा के रखिए ताकि आप बार बार हाथ आगे को ना लगाए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है आपको लेने चाहिए, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं। अगर आपको आंख लाल हो गया है, सूज गया है, और एक आधा दिन में एक दिन में कम नहीं हुआ तो आपके नज़दीक के आपके डॉक्टर के पास जाके दिखाना ज़रूरी है, तो उसके बाद ही दवाई लीजिए। अपने आप जाके काउंटर पर मेडिसिन लेके डालना वो ठीक नहीं है। अब सर जैसा कि माहौल में सर बीदर है, बीदर में क्या है, हॉस्पिटल्स है, मेडिकल है, अब ग्रामीण भाग में नहीं रहता सर, उसके लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं सर? तो जो यूजुअली जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस है ना, उसको हम सेल्फ लिमिटिंग बोलते हैं, वो अपने आप ही कम हो जाएगा एक तीन चार दिन, उतना कोई सीरियस उसका इफेक्ट नहीं रहेगा बाद में। तो आप बहुत ही ज्यादा दूर रहते हैं, जाने की जरूरत नहीं है। तो आप PHC सेंटर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहते हैं नजदीक, वहां पे जाइए, कोई सरकारी दवाखाने में मेडिसिन मिलेगी आपको। अगर नहीं भी मिलेंगे तो आप सिर्फ थोड़ा आराम कीजिए, ठंडे पानी से थोड़ा धो लेना है आपको आंख, एक दो तीन दिन में कम होना है। अगर दो दिन में कम, तीन में कम नहीं महसूस हो रहा है तो आप डेफिनेटली जाके आपके नजदीकी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सर ये जो फ्लू आ रहा है किस वजह से आ रहा है सर? ये जैसे मौसम चेंज होता है ना कभी भी, तो एक वायरस अपने आप प्रोलिफरेट हो जाता है, मतलब वो जैसे सर्दी के मौसम में हमको जुकाम ज्यादा आता है, जुकाम भी ऐसे ही फैलता है, यही है वैसे ही है समझो, जुकाम का जो वायरस रहता है वैसा ही एक वायरस रहता है, वो फैलता है। ये अभी क्यों हुआ है, ये मौसम सडनली चेंज होने से वो वायरस जो रहते हैं वो अचानक प्रोलिफरेट या मतलब ताकतवर होना शुरू हो जाते हैं, वो बहुत से हो जाते हैं, तो वो एक जन से दूसरे स्प्रेड हो जाते हैं। सर जनरली कोई काउंटर पर प्रिस्क्रिप्शन है सर आपका एडवाइस? काउंटर प्रिस्क्रिप्शन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार उसमें स्टीरॉयड्स भी रहते हैं, उसका कुछ साइड इफेक्ट होता है, तो इसीलिए, क्योंकि ये बीमारी उतना सीरियस नहीं है, दवा डाल के फिर उसका दूसरा साइड इफेक्ट करना उचित नहीं है उसको। तो सर ये जो लोकल मेडिकल्स में जो ट्रीटमेंट दे रहे मेडिकल स्टोर्स वाले, वो ट्रीटमेंट लेना कैसा सर? मुझे नहीं पता वो लोग क्या दे रहे हैं, क्या दवाई दे रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कोई भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कौन से भी आपके घर के पास डॉक्टर, PHC है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस सेंटर है, वहाँ पे जाके लिए तो बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन रहते हैं, तो वो उचित रहेगा मेरे को। ऑफ द काउंटर मतलब काउंटर पे जाके मेडिसिन लेना मुझे उतना सही नहीं लगता है। मैं डॉक्टर दीपक मेघूर हूँ, मेघूर आई हॉस्पिटल के कंसल्टेंट हूँ। थैंक यू सर।